फोर्ड इको स्पोर्ट 2015 मॉडल है, और इसके अंदर जैसा कि देख सकते हो ये जो है सर्विस लाइट, सर्विस ड्यू, ऑयल चेंज करने के बाद इसको रिसेट करना पड़ता है। तो देखते हैं इस वीडियो में इसको कैसा रिसेट करते। ये जो कार है फोर्ड की इको स्पोर्ट है, और हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस लाइट के ऊपर, जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे डिस्प्ले में भी सो रहा है सामने, यहाँ पे चेक करते सिस्टम चेक में देख सकते हो, यहाँ पे दिखा रहा है इंजन ऑयल चेंज का ऑप्शन आर लिख के आ रहा है, सर्विस रिक्वायर लिख के आ रहा है। तो इसको हम लोग रिसेट करने वाले, यानी जब हम लोग इसका ऑयल चेंज कर देते हैं, ऑयल ऑयल फिल्टर वगैरह या कार की जो सर्विस में जो जो होता है, तो इसको कैसा रिसेट करते। तो अपने को इसमें रिसेट करने के लिए दो चीज़ यूज़ करना पड़ता है, एक तो ये ब्रेक और दूसरा एक्सीलेटर का जो पैडल है, दोनों ये अपने को प्रेस करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों को एक्सीलेटर पैडल दोनों को प्रेस करना पड़ता है। और अगर इसके अंदर से बात करें तो अगर लॉन्च का इसके अंदर है तो इसमें लिख के भी देता है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसे दिखाओ, देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर में लिख के भी आता है कि इसको कैसे आप रिसेट कर सकते हैं मैनुअली। और अगर आपके पास इसके अंदर है लॉन्च का तो बेटर रहता है कि आप मैनुअल मत करो, इसके अंदर से करो तो अच्छा है। तो मैनुअल दिखाता हूँ मैं आपको मैनुअल कैसा करते हैं इसको, क्योंकि बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि भाई सब इसके अंदर से ही करते, मैनुअल से ज़रा बताओ। तो सबसे पहले अपने को ये जो इग्निशन है ऑन करना है, तो इसका इग्निशन ऑन कर दिया अभी हमने, जैसा कि देख सकते हैं। तो पहला स्टेप जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो इग्निशन ऑन करना है, और एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल को दोनों को प्रेस करना है, पुश करना है दोनों को, एक 30 सेकंड के लिए दबा के रखना है, एक्सीलेटर पैडल और ब्रेक पैडल को पुश करके रखना है उस टाइम के लिए 30 सेकंड के लिए, ये लाइट ऑटोमेटिक चली जाएगी, ठीक है। देख सकते हो लाइट चली गई, और बट गाड़ी स्टार्ट नहीं रखना है, ठीक है। इग्निशन सिर्फ ओनली ऑन करना है, इंजन स्टॉप रहना चाहिए, ओनली इग्निशन ऑन रखना है। देख सकते हो लाइट चली गई, कार को एक बार स्टार्ट करते तो लाइट चली जाएगी इसकी, ठीक है। जैसा कि देख सकते हो कार स्टार्ट हो गई, एयरबैग की भी लाइट हाँ चली गई। तो देख सकते हो इंजन जो इसका इंजन ऑयल सर्विस रिमाइंडर है वो आप मैनुअल भी ऐसा रिसेट कर सकते हो, और यहाँ पे डिस्प्ले में भी अभी शो नहीं करेगा, लेकिन उससे पहले आपको इंजन ऑयल, एयर फिल्टर वगैरह जो भी एसी का फिल्टर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड है, मतलब सर्विस में वो सब पूरा करने के बाद डिलीट करें तो अच्छा रहता है, यानी रिसेट करें तो बेहतर रहता है। तो पहले ये सब करने के बाद फिर रिसेट करने का। और अगर आपके पास स्कैनर है तो स्कैनर से करना और भी अच्छा है, अगर स्कैनर नहीं है आप ऐसा करना चाहते हैं मैनुअली तो इसको मैनुअली कर सकते हैं, ये तरीका। इसको वापस से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं अभी, ठीक है। देख सकते हो सर्विस रिमाइंडर जो है इसका ऑयल का वो रिसेट हो गया, और फोर्ड इको स्पोर्ट 2015 की मॉडल है ये। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।